आईएस कोड का कुछ रिकमेंडेशन है कवर के बारे में, कॉलम के रिगार्डिंग, इसको हम लोग देखेंगे इस लेक्चर में। नॉमिनल कवर फॉर लॉन्गिट्यूडनल बार शैल नॉट बी लेस देन, इस दोनों में से जो कम आएगा उससे कम नहीं होना चाहिए कवर। कवर किसको बोलते हैं, यहाँ पे हम लोग देखेंगे, जैसे ये कॉलम है, ये लॉन्गिट्यूडनल बार है, ये जो डिस्टेंस है यहां से यहां तक, ये क्लियर कवर है, क्लियर कवर, इफेक्टिव कवर नहीं, क्लियर कवर। तो ये कवर का जो वैल्यू होना चाहिए वो 40 mm या फिर डाया ऑफ द बार, जैसे डाया ऑफ द बार 25 mm है चाहे 30 mm है, जो भी डाया है उस दोनों में से जो कम होगा उससे कम नहीं होना चाहिए ये कवर, ठीक है। उसके बाद इन द केस ऑफ स्मॉल साइज्ड कॉलम मिनिमम डायमेंशन ऑफ 200 mm और अंडर हुज रेनफोर्सिंग बार डू नॉट एक्सीड 12 mm ए कवर ऑफ 25 mm में बी यूज्ड। मतलब कि अगर बहुत कम डायमेंशन का कोई कॉलम है, ठीक है, तो जो साइज ऑफ द कॉलम अगर 200 mm से ज़्यादा डायमीटर नहीं एक्सीड कर रहा है, या फिर उस कॉलम में जो रेनफोर्समेंट है उस रेनफोर्समेंट का साइज 12 mm से छोटा है, वैसे कंडीशन में ये जो कवर लेंगे वो 25 mm हम लोग को लेना चाहिए, ठीक है। ये दोनों कवर के रिगार्डिंग स्पेसिफिकेशन था, इसको नोट करिए। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, डिजाइन ऑफ एक्सेली लोडेड शॉर्ट कॉलम, ठीक है। शॉर्ट कॉलम का जो डिजाइन करते हैं उसके लिए एजम्पशन जस्ट वैसा ही है जैसे पहले हम लोग बीम में पढ़ते आ रहे हैं कि प्लेन सेक्शन रिमेंस प्लेन बिफोर बेंडिंग एंड आफ्टर कंप्रेशन, जैसे उसमें भी है सेम। उसके बाद रिलेशनशिप बिटवीन स्ट्रेस एंड स्ट्रेन इज एज्यूम टू बी पैराबोलिक, जो एजम्पशन उसमें था ऑलमोस्ट सेम एजम्पशन इसमें भी है। तो फर्दर आगे का डिस्कशन करते हैं इसमें नया क्या है। इसमें हम लोग शॉर्ट कॉलम के लिए डिज़ाइन करते हैं, उसके लिए आईएस कोड 456 में क्लाउज नंबर 39.3 में एक फार्मूला दिया है लोड निकालने का, कि लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द कॉलम कितना हम लोग ले सकते हैं, ये फार्मूला उसी क्लाउज से आया है। लेकिन ये फार्मूला तब वैलिड है जब मिनिमम इसेंट्रिसिटी हम लोग इस क्राइटेरिया को फुलफिल करता है। क्या करता है वो, उसको देखेंगे। द शॉर्ट कॉलम सेड बी डिजाइंड बाय द फॉलोइंग इक्वेशन, इफ द मिनिमम इसेंट्रिसिटी डज नॉट एक्सीड 0.5 टाइम्स द लेटरल डायमेंशन, यानी किसका जो लेटरल डायमेंशन होगा, ठीक है, कॉलम का जो लेटरल डायमेंशन है, जैसे 200x200 है, 400x400 है, तो 400 × 0.05 है, इससे एक्सीड नहीं करना चाहिए इसेंट्रिसिटी। अब इसेंट्रिसिटी किसको बोलते हैं, कि जैसे कि लोड यहाँ पर लग रहा है तो ये कंसेंट्रिक है, लेकिन लोड अपने सीजी से थोड़ा सा भी दूरी पे जा रहा है, ये एक्सियल हो सकता है, ये यूनि एक्सियल हो सकता है, या जैसे यहाँ पे जा रहा है तो ये बाई एक्सियल हो सकता है। तो इसेंट्रिसिटी ये डिस्टेंस को बोलते हैं, अपने सेंटर से जिस दूरी पर लोड लग रहा है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसेंट्रिसिटी। किसी भी कॉलम को परफेक्टली ये मान के नहीं चल सकते हैं, चाहे वो आइदर एक्सियली डिजाइन हम लोग कर रहे हैं, परफेक्टली ये मान के नहीं चल सकते हैं कि सेंटर पे ही लोड लगेगा, थोड़ा बहुत इसेंट्रिसिटी हम लोग अलाउ करते हैं। तो वो इसेंट्रिसिटी कितना लिमिट तक जा सकता है मैक्सिमम, उसके बारे में शॉर्ट कॉलम के रिगार्डिंग ये स्पेसिफिकेशन है, कितना तक जा सकता है 0.05 टाइम्स ऑफ लेटरल डायमेंशन। लेटरल डायमेंशन जो भी है, जैसे 400x400 का है, 400mm x400mm, तो 400 × 0.05 करेंगे, जो भी वैल्यू आएगा उससे ज़्यादा इसेंट्रिसिटी नहीं होना चाहिए, पहला कंडीशन ये है। और इसेंट्रिसिटी हम लोग कैसे का और क्राइटेरिया क्या है, कि मिनिमम इसेंट्रिसिटी का एक और फॉर्मूला है, अनसपोर्टेड लेंथ, ये एल जो है अनसपोर्टेड लेंथ डिवाइडेड बाय 500 प्लस ये डायमेंशन लेटरल डायमेंशन डिवाइडेड बाय 30, ये मिनिमम इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला है। ये किसी भी केस में 20 mm से कम हम लोग नहीं ले सकते, यानी कि बड़ा और बराबर होना चाहिए, 20 mm से ज़्यादा ही होना चाहिए, ठीक है। अगर ये कम आ रहा है तो उस वैल्यू को हम लोग 20 mm के बराबर ले लेंगे, अगर कम वाले वैल्यू को नहीं लेंगे। कम से कम कितना इसेंट्रिसिटी हम लोग ले सकते हैं, मिनिमम इसेंट्रिसिटी 20 mm के बराबर, अगर 20 mm से ज़्यादा है तो उसको हम लोग लेंगे यहाँ पर, ठीक है, समझ गए। जैसे कि जो भी क्वेश्चन में अगर L दिया है, लेटरल डायमेंशन दिया है, ये वैल्यू पुट करके हम लोग सपोज करो ये आ गया 35, ठीक है, तब 20 नहीं लेके हम लोग कितना लेंगे, 35 मिनिमम इसेंट्रिस, और इसको यू चेक करेंगे कि 0.05 इंटू लेटरल डायमेंशन से कहीं ये बड़ा तो नहीं है, अगर बड़ा हो गया ये वैल्यू इस वैल्यू से, तब हम लोग उसको एक्सेली लोडेड शॉर्ट कॉलम के लिए डिजाइन नहीं करेंगे। अगर छोटा हो जाएगा तब हम लोग आगे का ये फॉर्मूला पुट करेंगे, ठीक है। अगर सपोज करो ये 19 आ गया,
ठीक है, चाहे 15 आ गया, ये वैल्यू कैलकुलेट करके 15 आ गया, तब 15 नहीं लेंगे, तब कितना आपको मिनिमम इसेंट्रिसिटी लेना है, 20, क्योंकि कोड बोलता है कि मिनिमम इसेंट्रिसिटी फॉर शॉर्ट कॉलम, शॉर्ट एक्सेली लोडेड कॉलम के लिए मिनिमम इसेंट्रिसिटी 20 ले सकते हैं, 20 से कम हम लोग नहीं लेंगे, ठीक है। तो 20 से अधिक आ जाए इस फॉर्मूला के तहत पुट करके, तो उस वैल्यू को लेंगे, लेकिन उस वैल्यू को भी चेक करेंगे क्या वो 0.05 टाइम्स ऑफ डी से तो कहीं बड़ा नहीं है। अगर इस सारे स्पेसिफिकेशन को फुलफिल करता है तभी जाके ये फॉर्मूला जो है लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द कॉलम का, ये पुट करके हम लोग लोड कैरिंग कैपेसिटी निकालेंगे, जहाँ पे 0.4 FCK क्या है, करेक्टरिस्टिक्स लोड कैरिंग, ये स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट इन कंप्रेशन, ठीक है, एरिया ऑफ कंक्रीट, ये क्या है कैरेक्टरिस्टिक्स, टेंसाइल स्ट्रेंथ या कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ द स्टील, ठीक है। उसके बाद है ये एरिया ऑफ स्टील इन कंप्रेशन, ये कैसे निकालेंगे, जैसे कि ये 400 बाय 400 है, 400 बाय 400 का है, ये एरिया ऑफ कंक्रीट कंप्लीट नहीं है क्योंकि इसमें स्टील भी अभी होगा, तो एरिया ऑफ स्टील निकाल लेंगे, जैसे कि ये 20 mm का है, तो पाई बाय 4 इंटू 20 का स्क्वायर इंटू 4, ये एरिया ऑफ स्टील आ गया ASC, ठीक है। एरिया ऑफ कंक्रीट निकालना होगा, तो जो कंप्लीट कोर एरिया है 400 बाय 400 का ग्रॉस एरिया, इसमें घटाना पड़ेगा एरिया ऑफ स्टील, ये कैलकुलेशन से क्या आएगा एरिया ऑफ कंक्रीट, ऐसे करके यहाँ पे ये पुट करेंगे और ऐसे करके इस तरह से करके यहाँ पे एरिया ऑफ स्टील पुट करेंगे, सभी को पुट करके, जैसे और ये सब के बारे में तो जानते हैं हम लोग FC के, जैसे F20 है तो 20 पुट कर देंगे, जैसे Fe250 है तो 250 पुट करेंगे, तो उसमें पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेके, यहाँ पे पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी 0.4 और 0.67 जो है, ये क्लाउज नंबर 39.3 IS-456 में ये दिया हुआ है, कितना हम लोग को ये लेना है पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी, और कंप्लीट फार्मूला दिया हुआ है, ठीक है। तो इस फार्मूला पे बेस्ड ही बहुत सारा न्यूमेरिकल है, जो कि आपके नीलम शर्मा के बुक को जैसे हम फॉलो करते हैं कॉलेज में क्लास में, तो उस बुक के क्वेश्चन को हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे, जितना भी रिक्वायरमेंट था आगे भी बहुत सारा स्पेसिफिकेशन है, रिकमेंडेशन है, जैसे जैसे क्वेश्चन का लेवल बढ़ता जाएगा हम लोग उस रिकमेंडेशन और स्पेसिफिकेशन को पढ़ते जाएंगे। बस इतना ही रिकमेंडेशन नहीं है, और भी है, अभी ये तो रिकमेंडेशन तब था जब हम लोग नॉर्मल इंडिविजुअल टाई बार्स लगाते हैं, अगर हेलिकल रेनफोर्समेंट लगाएंगे, अगर राउंड सर्कुलर कॉलम है हेलिकल रेनफोर्समेंट लगाएंगे तब ये फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज मॉडिफाई हो जाता है और थोड़ा सा स्पेसिफिकेशन जो है चेंज हो जाएगा, ठीक है। जैसे जैसे क्वेश्चन का लेवल बढ़ता जाएगा उसको आगे हम लोग फर्दर प्रोसीड करेंगे, आप लोग यहाँ तक नोट करिए। एक क्वेश्चन है, जैसे इसको देखेंगे हम लोग, ए रेनफोर्स्ड कंक्रीट शॉर्ट कॉलम इज 400 mm × 400 mm, ये कैसा कॉलम है, एक स्क्वायर कॉलम है, एंड हैज 4 bars of 20 mm डाया, यानी कि एक तरह से दे दिया है ग्रॉस एरिया, इसका सॉल्यूशन अगर हम लोग देखें यहाँ पर, ग्रॉस एरिया जो दे दिया है 400 बाय 400 का, यानी इतना mm² का ये ग्रॉस एरिया ऑफ द कंक्रीट है। एरिया ऑफ स्टील का अगर बात करें तो 4 bars of 20 mm, यानी 4 × 5/4 × 20 का स्क्वायर ये दे दिया, तो एरिया ऑफ कंक्रीट कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ कंक्रीट ग्रॉस एरिया में से हम लोग एरिया ऑफ स्टील घटा देंगे तो निकल जाएगा क्या, एरिया ऑफ कंक्रीट, ठीक है। तो इसको देखते हैं, जो यूज किया जा रहा है वो कौन सा ग्रेड यूज किया जा रहा है, M20 ग्रेड यूज किया जा रहा है और Fe415 यूज किया जा रहा है, तो हम लोग इसेंट्रिसिटी निकाल नहीं सकते हैं, जो फॉर्मूला था L/500 + D/30 उससे इसेंट्रिसिटी निकाल नहीं सकते, यहाँ पे एज्यूम करने बोल दिया है कि इसेंट्रिसिटी जो है वो 0.05D से कम ही है, मतलब ये शॉर्ट एक्सेली लोडेड कॉलम मान के बनाने के लिए बोल रहा है, ये क्वेश्चन में दे दिया है, ठीक है। अगर अनसपोर्टेड लेंथ दिया रहता तो हम लोग इसेंट्रिसिटी निकालते हैं बकायदा और तब चेक करते कि ये शॉर्ट कॉलम एक्सेली लोडेड शॉर्ट कॉलम के लिए है या नहीं है, अगर रहता तभी जाके ये फॉर्मूला हम लोग आगे लगाते हैं, ठीक है। ये फॉर्मूला क्या है, 0.4 FCK AC + 0.67 FYA
एरिया ऑफ स्टील, ठीक है। तो 0.4 इंटू एफ सी ए का वैल्यू 20 इंटू ए सी का वैल्यू अभी हम लोग निकाले 1587 43.4 प्लस ऑफ 0.67 एफ वाई का वैल्यू 415 इंटू ए एस का वैल्यू 1256.6, ठीक है। इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो कुछ ना कुछ वैल्यू आएगा, इसको आप लोग कैलकुलेट करिए। इसको कैलकुलेट करने पे इतना वैल्यू आता है, तो इसको किलो न्यूटन में हम लोग लिख सकते हैं 16.3445 लिख सकते हैं, इसको 45 लिख सकते हैं, इतना किलो न्यूटन। यानी अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द कॉलम जो है ये इतना आता है, ठीक है। इस तरह से हम लोग, ये सिंपल सा क्वेश्चन था, इस तरह का क्वेश्चन भी आपके एग्जामिनेशन में आता है, अगर आएगा तो इसी प्रोसेस से फॉलो करेंगे। लेकिन ये चेक करना ज़रूरी है कि ये एक्चुअली लोडेड शॉर्ट कॉलम के लिए है या नहीं है। अगर ये क्वेश्चन का पार्ट है, ये दिया हुआ है, तब तो बिना देखे आगे का फॉर्मूला हम लोग लगा देंगे। लेकिन अगर ये नहीं दिया है, लेंथ कहीं ना कहीं दिया है, तो लेंथ निकाल के हम लोग को चेक करना पड़ेगा क्या वो मिनिमम एक्सेंट्रिसिटी को एक्सीड तो नहीं कर रहा है, क्या ये इस वैल्यू को एक्सीड तो नहीं कर रहा है, ठीक है। इस तरह से आप लोग लिखेंगे इसको। ये दो आप लोग के लिए असाइनमेंट है, क्वेश्चन है जो कि आपको बनाना है, होमवर्क है आप लोग के लिए। ये सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है जहाँ पे डायमेंशन जो है वो 400 बाय 400 का ही है, लेकिन जो डाया है वो 20 के जगह 25 हो गया और ग्रेड भी सेम है। ये सिंपल टाइप का क्वेश्चन है, इसको बनाइए, ठीक है। ये सिमिलर क्वेश्चन है लेकिन इसमें कंक्रीट का डायमेंशन चेंज है, एरिया ऑफ स्टील 4 नंबर ऑफ 20 mm डाया है, इसमें अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी भी बताना है और अलाउेबल लोड कैरिंग बाय द कॉलम भी बताना है, ठीक है। अल्टीमेट के लिए तो फार्मूला बताए थे, उसमें अगर फैक्टर ऑफ सेफ्टी से हम लोग भाग दे देते हैं तो अलाउेबल निकल जाता है। कंक्रीट के लिए हम लोग फैक्टर सेफ्टी कितना यूज़ करते हैं, 1.5, ठीक है। ये दो असाइनमेंट है आप लोगों के लिए जिसको कि आप बनाएंगे तो आगे के लेवल्स पे हम लोग पढ़ेंगे, आगे के थोड़ा टफ जो क्वेश्चन है उसको हम लोग करेंगे, ठीक है।